नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हाउ टू रीड टेंडर डॉक्यूमेंट। मैंने ऑलरेडी टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने आई बटन में शेयर करता हूँ, आप वहाँ जाके वो देख सकते हो। तो टेंडर डॉक्यूमेंट जब आता है तो उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो लोग कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इतना बड़ा बड़ा बंच रहता है, उसमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है, और टाइम भी बहुत कम रहता है। जैसे कोई टेंडर आ गया तो सबमिशन के लिए कभी 7 दिन रहते हैं, कभी 15 दिन रहते हैं, तो उतना कम टाइम में वो पूरा डॉक्यूमेंट कैसे स्टडी करना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या नोट करना है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट आता है, उसमें पहला रहता है एनआईटी में वो टेंडर का सबमिशन डेट रहता है, उसका EMD के बारे में डिटेल मेंशन किया रहता है, कहाँ सबमिशन रहता है उसका डिटेल मेंशन है, ऊपर से उसका प्रीबिड मीटिंग कहाँ है, उसका लोकेशन या फिर वेन्यू रहता है, कितना बजे है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें रहती है। इस NIT का मेन ये है कि वो एस्टिमेटेड वैल्यू, EMD वैल्यू, टेंडर सबमिशन डेट और प्रीबिड मीटिंग, तो ये सब उसमें देखना है। इसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट में मेजर वॉल्यूम्स रहते हैं, जैसे Volume 1 कंडीशंस रहते हैं, जैसे जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप के सारे कंडीशंस रहते हैं। उसके बाद रहता है ड्राइंग्स, टेंडर ड्राइंग्स। तो टेंडर ड्राइंग्स में टेंडर के लिए बनाए हुए जो भी ड्राइंग्स है प्रोजेक्ट के, वो पूरे ड्राइंग्स रहते हैं। उसके बाद में रहता है स्पेसिफिकेशंस। इसमें जो भी टेंडर में हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी एग्जीक्यूशन करना है, उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन मेंशन किया रहता है। अभी इसमें अगर स्पेसिफिकेशन में देखना है तो अगर सिविल है तो सिविल का अलग रहता है, MEP जैसे HVAC है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, इसका सबसे इसका भी सेपरेट अलग मेंशन किया रहता है, वो डिटेल स्पेसिफिकेशन रहता है। उसके बाद में रहता है बिल ऑफ क्वांटिटी, या फिर उसको फाइनेंशियल बिड बोल रहते हैं। तो बिल ऑफ क्वांटिटी में पूरा डिटेल BOQ रहता है, जैसे ये मैं एटम रेट टेंडर के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें पूरा BOQ रहता है। तो BOQ में जैसे पूरा मेंशन किया रहता है कौन सा आइटम है, उसके कितनी क्वांटिटी है, और अगर ये एटम रेट है तो उसमें रेट मेंशन नहीं किया रहता, अगर परसेंटेज रेट है तो उसमें रेट मेंशन किया रहता है, उसमें परसेंटेज में हम लोगों को प्लस या माइनस जो भी परसेंटेज है वो कोट करना रहता है। तो सबसे पहले है Volume 1 कंडीशंस। अभी कंडीशंस में जैसे अभी कमर्शियल कंडीशंस है, टेक्निकल है, कमर्शियल में हम लोगों को ये स्टडी करना है कि वो टेंडर का क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो भी डाटा है उसमें हम क्वालिफाई होते हैं कि नहीं, उसमें कुछ रहता है कि पर्टिकुलर इतना क्वांटिटी आपने किया है कि नहीं किया है, उसके बाद में इतना वैल्यू का आपने काम की पिछले 3 साल में काम किया है कि नहीं किया है, तो ये सब चीज़ रहता है। उसके बाद में उसका EMD कैसा है, कितना है, तो EMD का मोड ऑफ सबमिशन कैसा है, कि कैसे सबमिट करना है, वो कैश है, बैंक गारंटी है, क्या है, उसका डिटेल रहता है। उसके बाद में मोबिलाइजेशन एडवांस अगर है तो कितना परसेंट है, और उसके बाद में उसका रिकवरी कैसा है, और ये रिकवरी होने के बाद विथ इंटरेस्ट है कि विदाउट इंटरेस्ट है। इसके बाद में सिक्योर्ड एडवांस है, इसके बाद में मशीनरी एडवांस अगर है कि नहीं, ये सब रहता है। तो ये सब कमर्शियल कंडीशन में। इसके बाद में टेक्निकल में आपने आपके पास कितना मशीनरी है, आपके पास कितना मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर है, और उसके बाद में वो कुछ शेड्यूल्स मेंशन किए रहते हैं, तो वो शेड्यूल्स के हिसाब से आपको वो सब फिलअप करना रहता है। तो आपका जो भी डाटा है कंपनी का पूरा क्रेडेंशियल्स है वो भी उसमें मेंशन किया रहता है। तो टेंडर देखते समय सबसे पहले हमको एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है, उसमें जो भी कंडीशंस क्लियर है, जैसे अभी मैंने बोला EMD, मोबिलाइजेशन एडवांस, उसका रिकवरी, उसका इंटरेस्ट रेट, उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसा है, तो ये सब हमको नोट करना है। और ये नोट करते करते उसके साथ ही हम लोगों को टेंडर का कंडीशन, स्पेशल कंडीशन कुछ है क्या, तो वो भी हम लोगों को नोट करना है। इसमें अगर प्रीबिड मीटिंग है तो प्रीबिड मीटिंग होने में क्या क्या डिस्कशन होता है, प्रीबिड मीटिंग में उसका क्या क्या रिप्लाई आता है क्लाइंट का, तो उसको कोरिजेंडम बोलते हैं या फिर अडेंडम बोलते हैं, तो उसके पॉइंट्स भी हम लोगों को नोट करना है। तो वो जो भी प्रीबिड रिप्लाई कोरिजेंडम या फिर अडेंडम है उसको हमको वर्किंग के समय इनकॉर्पोरेट करना है।
अभी एक कमर्शियल टेक्निकल उसमें शेड्यूल्स ये सब डिटेल स्टडी करना है, इसमें क्या क्या भरना है, हम लोगों को क्या क्या फील करना है, ये सब हमको नोट करना है। कुछ डाटा अगर कंपनी का है तो वो सब इकट्ठा करना है, उसके हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी है। इसके बाद में जब BOQ आता है तो BOQ में सबसे पहले वो देखना है, कई कई आइटम में बेसिक रेट्स दिए हुए रहते हैं, कुछ कुछ मटेरियल्स के वो बेसिक रेट दिए है क्या, वो चेक करना है। इसके बाद में जो भी आइटम दिया हुआ है वो आइटम डिटेल स्टडी करना है और उसको ईच एंड एवरी वर्ड स्टडी करके उसके हिसाब से उसको रेट एनालिसिस करना है। और BOQ को ड्राइंग के साथ भी देखना है, मतलब BOQ जो भी दिया है ड्राइंग से हम लोग रफली क्वांटिफिकेशन करना है, वो क्वांटिटी उतना आता है कि नहीं है, प्लस है माइनस है, वो भी देखना है। इसमें BOQ में मटेरियल्स में कभी कभी अप्रूव्ड मिक्स मेंशन किए रहते हैं या फिर और इक्विवेलेंट मेंशन किया रहता है, वो सब देखना है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को अगर अप्रूव्ड मिक्स में कोटेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 3-4 कोटेशन लेना है, इसके साथ ही कंपैरिजन के लिए इक्विवेलेंट मिला तो वो भी लेना है, तो वो सब चेक करना है। इसमें इक्विवेलेंट मतलब जो भी कंपनी है उसमें दिया हुआ है उसके जैसा कोई कंपनी अगर उसमें मेंशन नहीं है तो वो भी चेक करना है। और BOQ में पर्टिकुलर ये स्टडी करना है कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ किया है, कैसे मेंशन किया है, जैसे रिवर्स हैंड मेंशन किया है कि क्रश हैंड मेंशन किया है, एक एग्जांपल हो गया। इसमें कभी कभी ऑप्शन रहते हैं दिस और दिस, तो वो भी चेक करना है। इसके साथ ही स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स और BOQ ये साथ साथ प्रॉपर स्टडी करना है, और उसके एक और अडेंडम ये सब इकट्ठा करके उसके साथ ही हम वो टेंडर का वर्किंग या फिर रेट एनालिसिस शुरू करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो टेंडर का मोड ऑफ सबमिशन कैसा है। अभी ज़्यादातर टेंडर ऑनलाइन सबमिशन या फिर ई टेंडर ही होता है, तो ई टेंडर सबमिशन के लिए वो क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो भी चेक करना है। तो उसके हिसाब से अपना पूरा सॉफ्ट कॉपीज रेडी रखना है। तो और फाइनेंशियल बिड जो भी या फिर BOQ जब जनरली सब लोग जिस दिन टेंडर सबमिशन है उसके थोड़ा देर पहले ही सब लोग फाइनेंशियल बिड या फिर BOQ के रेट्स अपलोड करते हैं, तो वो भी कैसे करना है, वो उसका अगर क्लाइंट से की लेना है तो वो की के बारे में देखना है, या फिर वो कंसर्न पर्सन को IT पर्सन को बोल के उसका भी अरेंजमेंट करना है। क्योंकि लास्ट टाइम में कभी कभी ऑनलाइन सबमिशन में सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें टेंडर मिस होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट पहले करके रखना है। तो इस हिसाब से डॉक्यूमेंट स्टडी में सबसे पहले वॉल्यूम 1 जो भी है, जनरल कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस, कमर्शियल है, टेक्निकल है, इसके साथ ही ये टेंडर में या जो भी क्लाइंट है वो मांगते हैं कि आपका कंपनी का क्रेडेंशियल, स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, आपका वर्क डन, आपके पास जितना इक्विपमेंट मशीनरी है उसका लिस्ट भी मांगते हैं, उसका पूरा डाटा जो भी है वो तैयार करके रखना है। इसके साथ ही आपने आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स या फिर साइट विजिट के रिलेटेड कुछ अगर उसमें मेंशन किया है तो वो भी देखना है। कुछ कुछ टेंडर में सॉइल डाटा या फिर बोरलॉग भी दिया रहता है, बोरलॉग रिपोर्ट, लोगो जो साइट है उसका साइट का पूरा इसका सॉइल इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट रहता है, वो भी चेक करना है। कुछ बिल्डिंग का अगर टेंडर है तो उसमें एरिया स्टेटमेंट दिया रहता है, तो एरिया स्टेटमेंट जस्ट ड्राइंग के हिसाब से उसको क्रॉस चेक करना है। तो इस हिसाब से वो जैसे अभी टेक्निकल, कमर्शियल ये कंडीशन देखने के साथ ही BOQ देखते समय प्रॉपर एवरी आइटम चेक करके उसके हिसाब से बेसिक रेट अगर उसमें कुछ रेट मेंशन किया है, जैसे कोई सिरेमिक टाइल है या फिर विट्रीफाइड टाइल है, अगर बेसिक रेट 60 रुपीज़ स्क्वायर फीट या फिर ऐसा कुछ मेंशन किया है तो उस हिसाब से उसको एनालाइज करते समय देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर एस्केलेशन क्लॉज दिया है क्या वो चेक करना है, अगर एप्लीकेबल एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल है क्या वो चेक करना है, उसके फॉर्मूले दिए है तो वो भी देखना है। तो इन शॉर्ट टेंडर डॉक्यूमेंट स्टडी करते समय जैसे टेक्निकल, कमर्शियल, BOQ, स्पेसिफिकेशन और उसके साथ ही अदर डाटा जैसे बोरलॉग डाटा, ड्राइंग्स, ये सब हम लोगों को ध्यान देके पढ़ना या फिर उसको शॉर्ट नोट्स बना करके उसका स्टडी करना ज़रूरी है। तो यही हम अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे, प्रॉपर उसका
एनालाइज करके वर्किंग में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर प्रीबिड का पॉइंट्स है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वर्किंग के समय हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बिडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।